लॉन्ग रन प्लानिंग कर्व वन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम रेफर करते हैं कि और जो लॉन्ग रन प्लानिंग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इंडिकेट करता है मिनिमम प्रोडक्ट प्राइस एट विच आउटपुट कैन बी परचेज हाँ जी अगर आउटपुट की प्राइस इससे कुछ कम होगी देन क्या होगा एवरेज कॉस्ट से थिंग अवेलेबल टू परचेज और इसके साथ साथ ये हमें हेल्प आउट करता है प्रॉफिटिलिटी अगेंस्ट डिफरेंट साइज ऑफ ऑपरेशन जैसे हमने डिस्कस किया के वेन फार्मर ऑपरेट अंडर डिफरेंट फार्म ही फेसेस डिफरेंट शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट करव अब यहां पर ये जो मेरे पास ब्लैक कलर लाइन है ब्लैक कलर यू शेप करव है दीज आर बेसिकली शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर मुझे रिपोर्ट कर रही है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट अगेंस्ट डिफरेंट फॉर्म साइजेस और जो आपके पास रेड कलर कलर की लाइन है दिस इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट दिस इज द लॉन्ग रन प्लानिंग कर्व। और हमने ये कर्व ऑब्टेन कैसे की कि दिस कर्व बेसिकली वी ऑबटेन बाई ज्वाइनिंग द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट अगेंस्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट जी अगर मैं यूं बात कर लूंगा जी जो फर्स्ट शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट है सपोज दिस इज द शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ द फार्मर व्हेन ही ऑपरेट्स अंडर वन सेकंड क्या है कि जी व्हेन ही ऑपरेट्स अंडर टू है थ्री एकड फार्म साइज और यहाँ पे होती बेसिकली क्या है यहाँ पे आपके पास इंफिनिट नंबर ऑफ शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट करवाऊंगी कि जो भी पॉइंट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर जो भी दो बड़े क्लोज क्लोज से पॉइंट ऑन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स दैट लाइन ऑन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लेकिन हम यहां पे क्या शो कर रहे हैं मैं तो यहां पे एक्सप्लिडली कुछ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट शो कर रहा हूं एक और चीज भी यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनिशियली लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस देन इट रिच एट अ मिनिमम पॉइंट और उसके बाद क्या हो गया इट स्टार्ट इंक्रीजिंग और जब तक आपके पास लॉन्गर एंड एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है कि लॉन्ग एवरेज कॉस्ट डिक्लाइंस तो ये मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है फर्म इज ऑपरेटिंग फार्मर इज ऑपरेटिंग अंडर इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस चीज को रेफर करता है कि बाई डबलिंग द आउटपुट देयर इज इनक्रीज इन कॉस्ट बाई लेस देन डबल और आफ्टर ओ ए लेवल ऑफ आउटपुट क्या है फार्मर इज ऑपरेटिंग अंडर डिस इकोनोमीज ऑफ स्केल कि यहां पर बाई डबलिंग आउटपुट फार्मर हैजू फेस मोर देन कॉस्ट मोर देन डबल हां जी इन ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करव और लॉन्गर एन एवरेज कॉस्ट कर्व है इनको देख के आप एक और चीज भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि एज लॉन्ग एज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्लाइंस ये शॉर्ट रन एवरेज कास्ट के डिक्रीजिंग पोर्शन पे टेंजेंट हो रही है के जी एज एज लॉन्ग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ये जो भी पॉइंट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के ये आप ऑपटेन कर रहे हैं जो कि आपके शॉर्ट रन एवरेज कास्ट के डिक्रीजिंग पोर्शन पे जाके टेंजेंट हो रहे हैं और जिस पॉइंट पे आपके पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम है जिसको हम यहां पे डिनोट कर रहे हैं विद ओ ए लेवल ऑफ आउटपुट वहां पे क्या है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दोनों के क्या है मिनिमम पॉइंट है वहां पे और आफ्टर ओ ए लेवल ऑफ आउटपुट आपके पास क्या इंडिकेट हो रहा है कि जी एज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन दीस पॉइंट्स आर ऑब्टेंड बाय बाय दीस आर ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ टेंजेंसी ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और यहां पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है कि इस पोर्शन में शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी तो ये जो हमने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का इंक्रीजिंग पोर्शन में जो ऑप्टेन किया है दीज आर दैट वी द्वार ज्वाइनिंग द पॉइंट वेयर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग अगर मैं इस सारे को समराइज कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि लॉन्ग रन प्लानिंग कर्व इज आल्सो यू शेप्ड कर्व इट इनिशियली डिक्रीजेस रीचिज एट अ मिनिमम पॉइंट और देन क्या हो रहा है इट स्टार्ट इंक्रीजिंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर वो यूजली ऑब्जर्व इन प्रोडक्शन हाँ जी वो फॉर्म लेवल पे प्रोडक्शन हो जाए वो फार्मर लेवल पे प्रोडक्शन हो यूजली एवरेज लॉन्गर एंड एवरेज कॉस्ट कर वार यूशेप कर हाँ जो आपका बिहेवियर है एग्रीकल्चरल आउटपुट के रेफरेंस में यह कब ये कभी थोड़ा सा डिफर भी करेगा